अभी रिसेंटली 2 दिन पहले मैं वापस चंडीगढ़ से लौट कर आया हूँ और वहाँ पर मैंने इन स्केट्स को जो है पानी में ज़्यादा चला लिया था। तब एक का कमेंट भी आया था कि क्या आपके वेयरिंग्स ख़राब नहीं होंगे। सभी को राम राम, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ आपको इनको लाइव वॉश करके। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले मैं वापस चंडीगढ़ से लौट कर आया हूँ और वहाँ पर मैंने इन स्केट्स को जो है पानी में ज़्यादा चला लिया था। तब एक का कमेंट भी आया था कि क्या आपके वेयरिंग्स ख़राब नहीं होंगे। तो उसी का सॉल्यूशन आज मैं आपको अपने सामने दिखाने वाला हूँ। MF 900 के वेयरिंग्स में फ़र्स्ट टाइम वॉश करने वाला हूँ। तो फटाफट से चलो वीडियो को शुरू करते हैं और आपके सामने ही अभी मैं इनको वॉश करके दिखाऊंगा लाइव। कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फटाफट से इन सबको खोल लेता हूँ और आपको लाइव वॉश करके दिखाता हूँ। आपको कुछ चीज़ें पहले से रेडी रखनी है, जैसे कि एक क्लॉथ, थोड़ा सा फ्रेश पेट्रोल जो कि मैं लेकर आया हूँ अभी, और फिर जल्दी से अपने स्केट्स के सारे व्हील्स को खोल लेना है। और ये भी याद रखना है कि जैसे कि ये राइट स्केट्स है तो इसका व्हील भी हम हैंड टू हैंड चेंज कर देंगे, तो कौन सा व्हील किस पोजीशन पे हमने रखना है। अभी जैसे कि ये मिडिल का है, ये एज इट इज़ रख दिया मैंने। इसका नट हम यहीं पे रख देंगे। नट कहीं भी कोई सा भी लग सकता है, तो नट से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। फिलहाल ये मेरा एक स्केट मैंने खोल दिया, अब बारी है दूसरे स्केट्स की। ये लेफ्ट का सबसे पीछे, तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरे सारे व्हील्स आ चुके हैं और ये मेरा दूसरा स्केट। अब टाइम है इस वायरिंग को निकालने का, तो जल्दी से मैं सारे वायरिंग्स एक एक करके निकाल लेता हूँ। वायरिंग्स को निकालने के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको चाबी ऐसे अंदर फंसानी है और बाहर वायरिंग को इजीली निकाल लेना है, जैसे कि मैंने निकाल लिया। ये अपना पहला वायरिंग। अब हैंड टू हैंड हम इसके वॉशर्स को भी साफ कर लेंगे। सबसे पहला काम आपके सामने ही जो मैं करने जा रहा हूँ, इन सारे वायरिंग्स को इसके अंदर डाल देंगे। जल्दी जल्दी मैं सारे वायरिंग्स को इसके अंदर डाल दूंगा और अभी आपके सामने ही वापस 5 मिनट में ही मैं इनको निकाल दूंगा। और मैं इसको अंदर डाल के इसके थोड़ा सा शेक भी करने वाला हूं, जिससे कि ये प्रॉपरली ऑयल इसके अंदर चला जाए और जो भी इसकी डर्ट है वो बाहर निकल जाए। तब तक हम इसके इसको साफ करेंगे। अभी जो ऑयल का कलर था वो काइंड ऑफ येलोइश था और अभी आपको दिख रहा होगा पास से कि ऑयल का कलर चेंज होके ब्लैक हो चुका है। वो क्यों? क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो ऑयल के साथ मिक्स हो गए हैं और वो डस्ट पार्टिकल्स अभी वेयरिंग से निकल के नीचे बैठ जाएंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें करके भी दिखाने वाला हूं। अभी देखो मैंने इतना कर लिया ये। अब मैं इसको थोड़ी देर यहाँ पर रख देता हूँ। तो जो पीस ऑफ क्लॉथ है इससे मैं थोड़ा सा पेट्रोल में डिप करके फिर अपने स्केट्स को साफ करूँगा। तो अब पेट्रोल में इसको डिप करने के लिए आप थोड़ा सा ही पेट्रोल ले सकते हैं, जो कि मैंने ढक्कन से भी ले लिया है। और एक बार मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से डिप कर लूँगा और पेट्रोल को एकदम से कपड़ा पकड़ भी लेता है, तो जो कि आपके सामने ही है। अब मैंने इसको डिप कर लिया है। इसी क्लॉथ की मदद से मैं जल्दी से अपने व्हील्स को अंदर की तरफ से, जहाँ से उसमें डस्ट या मिट्टी या बारिश का जो भी पानी लगा है वो साफ कर दूँगा। और कुछ भी एक्स्ट्रा करने की इसमें आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उसी की मदद से आपका व्हील भी साफ हो सकता है। आप चाहो तो इसको बाहर से भी साफ़ कर सकते हो, लेकिन ये मिट्टी में जाके वापस वैसे का वैसे ही हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैंने जितना मुझसे साफ़ हो रहा है उतना साफ़ कर दिया। ऐसे फिंगर टिप पे कपड़ा लेके ऐसे अंदर की तरफ बस और व्हील्स को रोल कर देना है। ये कोई भी कर सकता है, चाहे वो स्केटिंग का प्लेयर हो, चाहे रोल बॉल का हो, कोई भी हो। कर लूँगा अपने स्केट्स को साफ और जहाँ आपको लगता है कि आपका हाथ नहीं पहुँचेगा तो वहाँ आपको कपड़े को बस ऐसे पहुँचा के और साफ़ कर लेना है अच्छे से। और ये वाला स्केट भी मस्त साफ हो गया। इसी तरह से आपके दोनों स्केट्स मस्त चकाचक साफ हो गए हैं और फटाक से
अब इसके वेयरिंग्स को निकालने का टाइम आ गया है, वापस से वेयरिंग्स को जगह पे लगाने का टाइम आ चुका है। तो ये ले लिया है मैंने एक प्लेन वाइट जार, ये घर पे ही पड़ा था, और इसमें मैंने सारा पेट्रोल लौट दिया और वेयरिंग भी इसमें गिरा दिए। अभी देखो इसके अंदर आपको नीचे दिख रहा होगा कितनी डस्ट आ चुकी है बाहर निकल के। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर से वेयरिंग्स को निकालना है और कुछ इस तरह से उन्हें साफ़ कर लेना है। ये देखो और हमारा वेयरिंग इज़ रेडी टू मूव। अब इसमें से आवाज़ आ रही है, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, एक सुई की मदद से इसके ऊपर वाले कवर को निकाल सकता हूँ। अब इसी तरह मुझे सारे वेयरिंग्स के कवर वापस खोलने पड़ेंगे। सिर्फ एक या दो वेयरिंग्स इसमें पड़े हैं जिनके और कवर मुझे निकालने हैं। अब आपके सामने ये रहे कवर्स, और इसके अंदर है वेयरिंग्स, और इसके अंदर भी काफ़ी गंदगी इकट्ठी हो चुकी है। अब उस गंदगी से मैं सारे वेयरिंग्स को एक एक करके बाहर निकालूंगा और उनको इस कपड़े से साफ़ करूंगा। और अब मैंने कपड़े के अंदर सारे वेयरिंग्स कर लिए, और कुछ इस तरह से सारे वेयरिंग्स के अंदर का जो पेट्रोल है वो ये कपड़ा सोख लेगा। अब काफ़ी हद तक इन वेयरिंग्स की स्पीड खुल चुकी है, और बाकी की स्पीड जब ये व्हील्स स्केट्स के अंदर लगेंगे और तब जब अच्छे से वर्क करेंगे तो इनकी स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब बचे इनके वॉशर्स कह रहा हूँ मैं इनको बाय मिस्टेक, लेकिन ये स्पेसर हैं। ये पूरा पोस्टमार्टम इन स्केट्स का हो चुका है। ये रहे वो सारे कवर, अब इसमें डालो या मत डालो ये आपकी मर्ज़ी। ये मैं वापस वेयरिंग में नहीं लगाने वाला हूँ, और वेयरिंग्स अगर ज़्यादा प्रॉब्लम करेंगे तो हम वेयरिंग्स को बाद में रिप्लेस भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इस चीज़ का ज़रूर याद रखना है आपको कि आपने वेयरिंग्स बहुत ज़्यादा अगर पानी में चला दिए तो डेफिनेटली एक टाइम पे आपको उनको रिप्लेस करना पड़ेगा। सेम वेयरिंग आप ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक यूज़ नहीं कर पाओगे। और अगर आपको चीप वेयरिंग्स चाहिए तो आप वेयरिंग कोई पर्टिकुलर वेयरिंग शॉप पे जाके वहाँ से आप चीप वेयरिंग खरीद सकते हो। 20 से 25 रुपये में भी आपको वेयरिंग मिल जाएगा। जितना अच्छा आप वेयरिंग लेते जाओगे उतनी ही उसकी प्राइस बढ़ती चली जाएगी। अब ये पेट्रोल सिर्फ आग लगाने के काम में आएगा और किसी काम में नहीं, तो जो आपसे चलता है उसको ये पेट्रोल दे दो। तो इसका भी सॉल्यूशन अभी आपके सामने ही है। ये कलर को मैं पेट्रोल की मदद से छुड़ा कर देखूँगा। आपके सामने इस पर थोड़ा थोड़ा कलर है अभी, आई होप सो कि दिख रहा होगा, थोड़े थोड़े पिंक धब्बे हैं। तो सबसे अच्छा सॉल्यूशन है इसको पेट्रोल में थोड़ा सा डिप करो और इसके ऊपर मारो, पूरा क्लीन चिट हो जाएगा। देखो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा हेलमेट पहले के जैसा नया हो चुका है। जहां से टूट गया है तो टूटे हुए ये पेट्रोल नहीं जोड़ सकता। तो अब मैं व्हील्स को चेंज करने वाला हूं। कैसे, जो ये व्हील है इधर से, ये व्हील है इधर से, ये व्हील है इधर, आपके सामने मैं व्हील्स को चेंज करूंगा। ये उठा के रख दिया इधर, ये उठा के रख दिया इधर, और ये उठा के रख दिया इधर। अब मुझे व्हील्स को देखना है कि मुझे कैसे चेंज करना है। जैसे कि अगर मैंने दोनों रख भी दिए उसके बाद भी अगर मेरे व्हील्स एज इट इज़ हैं तो मुझे देखना है कि व्हील्स किस तरफ से ज़्यादा घिस गया है। अगर व्हील इधर की तरफ से ज़्यादा घिसा हुआ है तो मैं इसको पलट के भी लगा सकता हूँ। लेकिन उससे पहले अब जल्दी से सारे व्हील्स के अंदर वेयरिंग्स को फिट कर लेते हैं। इसके लिए मुझे कोई एक्स्ट्रा चाबी की ज़रूरत नहीं है, ये हाथ से ही फिक्स हो सकते हैं। ये व्हील्स इस स्केट्स के हैं, ये व्हील्स इस स्केट्स के हैं। तो लेफ्ट से शुरू करेंगे हम, और सबसे पहले ये व्हील देखेंगे ये किधर से घिसा हुआ है। सपोज़ ये इधर से घिसा हुआ है तो इसको उल्टा करके इधर लगा देंगे और इसको नट लगा देंगे एक, ऐसे ही करके दूसरा व्हील उठाना है, देखना है किधर से ज़्यादा घिसा हुआ है। सपोज़ इधर से ज़्यादा घिसा हुआ है, इधर से कम घिसा हुआ है, तो हम इसको सेम दूसरी तरफ से लगा सकते हैं। ये मेरा एक स्केट पूरा फिक्स एंड टाइट हो चुका है। अब मेरे स्केट्स हो गए रेडी टू मूव। ये देखो, नाउ दे आर गुड टू गो, लेट्स गो। तो अब इन्हें हम चलाते हैं
और आपसे मैं इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यंग गन्स क्लब। और अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार। एक कमेंट ज़रूर कर देना अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो। बाय बाय।